स्टेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि राजधानी पटना के विश्वेश्वरैया भवन में भीषण आग लग गई है। तस्वीरों में देखें किस प्रकार से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। आपको बता दें कि ये राजधानी पटना के बेली रोड में स्थित विश्वेश्वरैया भवन है और इसमें कई सरकारी दफ्तर है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग, पथ निर्माण विभाग का हो या भवन निर्माण विभाग का, तो कई ऑफिस जो है वो इस बिल्डिंग के अंदर हैं। और देखिए कि किस प्रकार से आग यहां पर लगी है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक फिलहाल जो अभी कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, लेकिन यहां पर फिलहाल अभी इस बात को बताने के लिए कोई तैयार नहीं है कि आखिरकार आग कैसे लगी है। लेकिन देखिए किस प्रकार से यहाँ पर आग पर काबू पाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और ये तस्वीर राजधानी पटना के बेली रोड की है। विश्वेश्वरैया भवन में ये आग लगी है, भीषण आग लगी है। और देखिए यहाँ पर किस प्रकार से आग लगी है और इसको ऊपर काबू पाने की पूरी कोशिश की जा रही है। हालांकि इस बात की जानकारी अभी पूरी तरीके से किसी के पास है नहीं कि आग कैसे लगी है। और जो कहा जा रहा है उसके मुताबिक ये शॉर्ट सर्किट से आग लगा है। और ये तस्वीर जो है राजधानी पटना के बेली रोड की है और इसमें कई विभागों के जो ऑफिस है इसमें है बिहार सरकार विशेष सचिव और तमाम जो बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग, तो कई ऐसे विभाग जो है इस बिल्डिंग के अंदर जो है वो तमाम चीज़ें यहाँ पर इस बिल्डिंग में मौजूद हैं। लेकिन देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पर आग लगी है और उस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस प्रकार से तमाम लोग यहां पर पहुंचे हैं और जो आग है वो कब लगी है इस बात की जानकारी फिलहाल किसी के पास नहीं है। लेकिन यहां पर कुछ लोग हैं मौजूद। कब 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 आग लगी थी, आग कब लगी है? सब बोल रहा है लोग कि 7:30 के बाद ऐसे आग लगी। कुछ पता है कि नहीं मालूम है। 7:45 के आसपास। कैसे लगी? अब अंदर पता नहीं चला, बंद था। हम लोग नीचे थे, एटीएम पे ड्यूटी का है मेरा था, धुआं निकल रहा था। मैं फायर वाले को फ़ोन किया, गेट बताया, उसके बाद में फिर उन्होंने मैसेज दिया, फिर पूरा हड़कंप मच गया। आप कितने बजे आते हैं? हम 6 बजे आते हैं। 6 बजे जी, लेकिन आज 8 बजे। हाँ, 7:45। 7:45 धुआं निकल रहा था, काला काला सा पूरा धुआं निकल रहा था। तो हमने कहा धुआं निकल रहा है कैसे भाई, कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं लगा? फिर जाके हम वहाँ गेट बताएं पुलिस को, उन्होंने फिर मैसेज दिया आगे। तो ऊपर जाके कोई जाहिर ना देखा नहीं, कोई फंसा भी है उसके? नहीं, ऊपर कोई नहीं फंसा है। कोई नहीं? नहीं नहीं, सब ऊपर थे, सब उतर आए नीचे। सरकारी बिल्डिंग है ना? हाँ हाँ, जिसमें आग लगी है सरकारी बिल्डिंग है। आपके खबर देने के बाद कितने बार फायर वाले ने आया था, कितना टाइम था? 10-15 मिनट में सब आ गए। ना सर, हम तो अभी आ रहे हैं। हम लोग अभी आ रहे हैं। पता है आप लोग? नहीं, हम नहीं मालूम है, अभी आ रहे हैं 1 घंटा पहले। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनसे हम पूछ बात करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल इस बात की जानकारी कि किसी के पास भी नहीं है कि आग लगी कैसे है। लेकिन आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन का महकमा हो या फायर जो बिहार अग्निशमन सेवा हो, तो तमाम लोग यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। आग पर काबू पाने की जो कोशिश है वो कवायद लगातार जारी है। हालांकि देखना ये होगा कि आखिरकार, ये पता करना है कि आखिरकार आग लगी कैसे शॉर्ट सर्किट में, क्योंकि इसमें कई विभाग के सरकारी दफ्तर हैं और काफ़ी नुकसान भी होगा अगर सरकारी दफ्तरों में आग लगी है। और तो काफ़ी ना कहीं जो कई ऐसे चीज़ों का निर्माण और जो शुरुआत है वो इस ऑफिस में किया गया था भवन निर्माण के द्वारा, शायद वो तमाम चीज़ों का नुकसान हुआ। मनीष फाउंडेशन के साथ नमस्कार।
अंदर देख रहे हैं, अंदर बहुत बड़ा आदमी परेशान नहीं कहना पहुंचा देखा तो वहां जाकर प्लस जो फायर सीट लगाई हुई है अंदर जाते हैं। हां कैसे पूरा कितने लोग फंसे थे लगभग? दो आदमी निकल गया था, दोनों आदमी आपको लेने के ये डबल करेगा सिस्टम ये महिला है पानी नहीं पैसा नहीं खाता आप इधर आ जाइए थोड़ा हमको।